खबर आपको बता रहे हैं जहां बिलाईगढ़ की ग्राम पंचायत गिरवानी में 26 लाख रुपए की लागत से बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का काम 3 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते आंगनबाड़ी भवन को उप स्वास्थ्य केंद्र बनाकर आसपास के 7 गांव के ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। यहां प्रसूति गृह भी बनाया गया, लेकिन भवन छोटा होने के कारण प्रसूता और गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कर रहे ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत गिरवानी में 26 लाख रुपए से बन रहा उप स्वास्थ्य केंद्र आज 3 वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आंगनबाड़ी भवन को उप स्वास्थ्य केंद्र बनाकर ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं, वहीं गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी करा रहे हैं। लेकिन 7 गांव का सेक्टर बनाया गिरवानी उप स्वास्थ्य केंद्र को, जिसके कारण भीड़ अधिक होने के कारण इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अधिकारी की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के चलते भुगतना ग्रामीणों को पड़ रहे हैं। जबकि हमने ठेकेदार से इस संबंध में बात किया तो ठेकेदार का साफ तौर पर कहना है कि शासन के पैसा। ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संवाददाता अखिल मानिकपुरी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल, सरकारी योजनाओं पर बट्टा लगाती ये तस्वीरें नजर आ जाती हैं, जब 3 साल बाद भी स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मैम इसे ब्लैगर ब्लॉक के गिरवानी पंचायत की, जहां 3 साल पहले 26 लाख रुपये की स्वीकृति उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकली गई थी, लेकिन ठेकेदार की मनमानी है, जैसा जो ठेकेदार है उसकी मनमानी के चलते और अधिकारी की अनदेखी के चलते आज वो 3 साल में पूर्ण नहीं हो पाया। वही स्वास्थ्य विभाग अपनी जवाबदारी निभाते हुए आंगनबाड़ी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वही गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी करवाया जा रहा है, लेकिन वही हम जब ठेकेदार से बात कर रहे थे तो ठेकेदार के साफ तौर पर कहना है कि जब तक राशि नहीं आती शासन के पास तब तक मैं निर्माण कार्य चालू नहीं कर पाऊंगा, और जो भी करना है आप कर लो, ऐसा टाइप का उसका बात सामने आ रहा है। वही हम एसडीएम साहब से इस बारे में संबंध में अगले बार अवगत करा चुके, लेकिन उसके द्वारा भी कुछ पहल नहीं किया जा सके, अभी तक सभी अधिकारी इसको देख कर भी अनजान बैठे हुए हैं। क्या कारण बता रहे हैं जिम्मेदार जो 3 साल में अभी तक भवन का निर्माण नहीं हो सका? सब वही बता रही मैम कि सब अपने पल्ला झाड़ते नजर आए, धीरे से बनेगा, पैसा आएगा तो बनेगा, फिर पैसा आएगा बनेगा, जबकि इसकी शिकायत विधायक जी से भी पूर्व में हो चुकी है। विधायक जी ने उससे पहले भी बता चुके हैं कि आप भवन को पूरा कीजिए, उस स्वास्थ्य केंद्र उसके बाद आपके जो भी आएगा अमाउंट तो राशि आएगा वो आएगा आपके अकाउंट पर, पहले तो पूरा कर दीजिए, 2 किस्त उसको दे चुके हैं पहले, उसके बाद निर्माण का जब जिसे उसको पूर्ण कर लेगा उसके बाद उसको राशि दिया जाएगा, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए अपने क्रेशर पर बैठा रहता है, यहाँ किसी प्रकार का ध्यान दिया नहीं जाता। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।